तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस होता क्या है और किस तरीके से इसमें आदमी लाखों रुपए कमा सकता है सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस होता क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का जो मेन पर्पज होता है वो होता है किसी भी प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना अब जरा आप सोचिए जो प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बनते हैं उनका गोल क्या होता है उनका सिंपल गोल होता है किस तरीके से मेरे ये प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचेंगे जो उनको यूज़ करना चाहता है ये प्रोडक्ट वहां तक कैसे पहुंचेंगे दोस्तों ये प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाने का एक प्रोसेस है पूरा और इस पूरे प्रोसेस या इस पूरी पाथ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं इंडिया में लेकिन मैं आज आपसे जिस डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस की बात करने वाला हूं आज मैं आपसे जिस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं वो एक एवरग्रीन बिजनेस है कभी ना ख़त्म होने वाला हमेशा चलते रहने वाला बिजनेस है और इसकी ज़रूरत हर किसी को है भले वो बच्चे हों बूढ़े हों या जवान हों और दोस्तों इस प्रोडक्ट की जरूरत हर समय होती है भले सुबह की चाय हो दोपहर का लंच हो शाम का स्नैक्स हो या रात का डिनर है और दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलेगा भी और हर जगह इसकी जरूरत भी होती है भले ही दोस्तों वो आपकी कैंटीन हो आपका घर हो आपका ऑफिस हो यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी लेकर जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको लिक्विड शॉप में भी मिलेगा पब्स में भी मिलेगा हर जगह आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा ही मिलेगा और दोस्तों साथ ही साथ ये मैंने बताया जैसे कि एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है तो इसकी जरूरत हर क्लास को होती है भले वो लेबर क्लास हो वर्किंग क्लास हो इम्प्लॉयज हो या फिर हाई क्लास हो हर जगह इसकी कंज्यूमशन होती होती है जी हाँ दोस्तों मैं आपसे जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं वो है नमकीन स्वीट्स एंड पापड़ की दोस्तों जो नमकीन स्वीट्स एंड पापड़ के प्रोडक्ट रेंज है ये बहुत ही तेजी से चलने वाले प्रोडक्ट है इसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है दोस्तों जो प्रोडक्ट है इसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है ये एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है और दोस्तों जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी फास्ट मूवमेंट होती है फास्ट कंजम्पशन होती है इसे हम एफ प्रोडक्ट कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और दोस्तों अगर हम एफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो भी एफ प्रोडक्ट्स होते हैं इसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो किस तरीके से होता है दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट मैनुफैक्चर होते हैं मैनुफैक्चर होते हैं फैक्ट्री में उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं उसके बाद ये स्टॉकिस्ट या होलसेलर के पास जाते हैं दोस्तों उसके बाद ये जाते हैं रिटेलर्स के पास जहां से आप प्रोडक्ट परचेज करते हो और लास्टली हम एंड कंज्यूमर के पास जो यूज करते हैं इनको तो ये एक पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस में जो सुपर स्टॉकिस्ट होता है उसका बहुत ही एक अहम रोल होता है तो आज मैं आपसे जिस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं वो है स्वीट्स नमकीन एंड पापड़ की और जिस ब्रांड की बात करने वाला हूं उस ब्रांड का नाम है राजस्थानी नमकीन और मैं आपको जिस चैनल की बात करने वाला हूं उस चैनल का नाम है सुपर स्टॉकिस्ट तो आज मैं आपको राजस्थानी नमकीन के सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सुपर स्टॉकिस्ट क्या होते हैं इनकी चैलेंजेस क्या होती है इनकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या क्या है इन सबको पहले समझते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राजस्थानी नमकीन आपके इन सारी समस्याओं का समाधान करता है तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस मॉडल क्या होता है और ये किस तरीके से चलता है जो सुपर स्टोकिस्ट बिजनेस मॉडल होता है डायरेक्टली कंपनी से या डायरेक्टली फैक्ट्री से प्रोडक्ट परचेज होता है इनके पास और फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था अब यहां पर चूंकि ये डायरेक्टली फैक्ट्री से आता है उसके नीचे होलसेलर रिटेलर्स और एक बहुत बड़ा दायरा होता है एक बहुत बड़ा सर्कल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का इनके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन होती है बहुत बड़ी होती है क्योंकि इनके नीचे होलसेलर्स हैं इनके नीचे सप्लायर्स हैं स्टॉकिस्ट हैं रिटेलर्स हैं तो इस वजह से इनका टर्न बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ये बहुत ही लो मार्जिन में काम करते हैं बहुत ही थिन मार्जिन में काम करते हैं इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है दोस्तों पर मार्जिन तो कम है लेकिन टर्न ज्यादा है इसी वजह से किसी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन जो इनकी चैलेंजेस है चैलेंजेस क्या क्या है अब दोस्तों अगर आप किसी एफ कंपनी के सुपर स्टॉकिस्ट हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड या जानकार में कोई सुपर स्टॉकिस्ट है तो आप उनसे पूछिए उनसे बात करिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा वेयर हाउस लेना पड़ता है जिसका कि आपको एक अच्छा खासा रेंट पे करना पड़ता होगा उस वेयर हाउस के लिए आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखनी पड़ती है उस वेयर हाउस के लिए आपको गार्ड्स देखने पड़ते हैं आपको इंप्लॉयज हायर करने पड़ते हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है आपको अपने व्हीकल परचेज करने पड़ते हैं या फिर थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट से आपको टाइप करना पड़ता है आपको अपने गोडाउन के इंश्योरेंस करानी पड़ती है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको अपने सुपर स्टॉक बिजनेस में लगाना पड़ता है और दोस्तों अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं सपोर्टिंग स्टाफ एस सेल्स स्टाफ सप्लाई स्टाफ ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको इंप्लॉयिज की जरूरत पड़ती है दोस्तों इसी सेल्स से, नहीं हुई या फिर इनका टर्नओवर डाउन हुआ तो कई बार ये लॉस में भी जा सकते हैं तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसी वजह से होता क्या है इनका मार्जिन पहले ही से डाउन होता है और इतने सारे एक्सपेंसिस की वजह से और डाउन हो जाता है अब जरा आप सोचिए अगर आपको नमकीन के बिजनेस की नमकीन पापड़ स्वीट्स के बिजनेस की एक सुपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर कि आपका कोई भी वेयरहाउस का एक्सपेंस ना हो दोस्तों कोई भी अकाउंटेंट का आपका एक्सपेंस ना हो कोई भी सेल्स स्टाफ का एक्सपेंस ना हो आपको कोई भी सप्लाई का एक्सपेंस ना हो तो आपको कैसा लगेगा एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पर आप कंपनी से डायरेक्ट सुपर स्टॉकिस्ट बन रहे हैं और आपको सुपर स्टॉकिस्ट वाले एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए जी हां दोस्तों एक ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है राजस्थानी नमकीन राजस्थानी नमकीन पूरी इंडिया में अपने सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर रहा है और सुपर स्टॉकिस्ट को जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपका वेयर हाउस का जीरो होगा आपका सेल्स स्टाफ का जीरो होगा आपका अकाउंटेंट स्टाफ का जीरो होगा हो और साथ ही साथ

दोस्तों अब आपको एक जाना माना ब्रांड मिल रहा है और एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना है राजस्थानी नमकीन आपके लिए लेकर आया है सुपर स्टॉकिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो अगर आप ऑलरेडी किसी एफ कंपनी के सुपर स्टॉकिस्ट हैं और आप इस बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी केवल आपके लिए ही है दोस्तों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना कि केवल आपके लिए है बल्कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है राजस्थानी नमकीन ये चाहता है कि ना कि सिर्फ आपको इम्पावर करे बल्कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भी इम्पावर करे दोस्तों राजस्थानी नमकीन उनको स्पेशलाइज सेल्समैन की अपॉर्चुनिटी देगा साथ ही साथ उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा उनके नो हाव में हेल्प करेगा और भी बहुत सारे तरीके से उनकी हेल्प करेगा सो देट कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सके दो दोस्तों यहां पर राजस्थानी नमकीन का जो मोटो है वो ये है कि ये आपकी इनकम को बढ़ाए आपके डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम को बढ़ाए तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चैनल रन रन कर कर रहे है, कर रहे हैं हैं सुपर तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी केवल आपके लिए ही है केवल आपके अंदर पैसन होना चाहिए और जील होनी चाहिए कि आप किसी बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं और दोस्तों ये बिजनेस में वो क्वालिटी भी है वो पोटेंशियल भी है और इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी तो आपके लिए है ही सोने पर सोहा जी हाँ दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपके लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर है राजस्थानी नमकीन यहां पर ना ही तो आपको कोई वेयर हाउस का खर्चा है ना ही आपको कोई सेल्स स्टाफ का खर्चा है ना ही आपका सप्लाई का खर्चा है तो यहां पर आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस तो जीरो हैं लेकिन यहां पर प्रॉफिट आपके लिए बहुत ज्यादा है तो है ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको करना क्या है यहां पर आपको अपना नेटवर्क यूज करना है जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसी को यूज करना है दोस्तों आपने सुना होगा नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ जो आपका नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ है तो आप अपनी नेटवर्थ को इनकैश करिए और प्रॉफिट अर्न करिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कैसे कैसे आप इसका फायदा उठा पाएंगे इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप राजस्थानी नमकीन से सीधा बातचीत कर सकते हैं और आपको इस पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल जो भी आपके क्वेरीज होंगे सारी क्वेरी सारी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे तो so दोस्तों आज मैंने आपको बताया राजस्थानी नमकीन की सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में यहां पर इनके लिए जो आइडियल पार्टनर्स होते हैं वो वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक सप्लाई सप्लाई चेन नेटवर्क में है जिनका ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या फिर सुपर स्टॉक नेटवर्क है साथ ही साथ दोस्तों जो एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं ये एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको एक एवरग्रीन बिजनेस मिल रहा है नमकीन स्वीट्स एंड पापड़ का दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही जबरदस्त डिमांड बहुत हाई है केवल आपको सप्लाई पे फोकस करना है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करना है उनको एम्पावर करना है और उनको यूटिलाइज करके वहां से प्रॉफिट अर्न करना है और उनको प्रॉफिट कमा कर देना है केवल इतना ही काम है तो अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है अगर आपको लगता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है सुनने में आपको मजा आ रहा है मजा तो आ ही रहा है है ना ये एक बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे जो अलग अलग ओवर एक्सपेंसेस है वो आपको नहीं लगाने पड़ रहे हैं आपको एग्जिस्टिंग नेटवर्क का यूज करके एक पैसा कमाने का मौका मिल रहा है और एक शानदार बिजनेस के साथ शानदार ब्रांड नेम के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है तो आपको कोई भी क्वेरी है सीधा राजस्थान से संपर्क करिए नंबर आपको दिया गया गूगल फॉर्म आपको दिया गया है सो ऐसे ही बिजनेस मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊंगा मैं हूं आशीष अग्रवाल आपका अपना बिजनेस दोस्त और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों जितने भी दोस्त आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या सुपर स्टॉक नेटवर्क में है उन सबको जरूर से शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा देखते ये फ्रेंचाइजी बताओ जय हिंद जय जा भारत